नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस तबला पैच की एडिटिंग के बारे में बताता हूँ कि इसमें आपको कौन से पैड में क्या क्या लगाना है। और ये पैच अधिकतर कवाली प्रोग्राम में यूज़ होता है। वैसे तो आप इसको चाहो तो जागरण में, कीर्तन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कवाली में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बजने में। और ये कवाली में तबले का काम लगभग पूरा कर देता है। आप इसको बजा अपने हिसाब से सकते हो, जैसे भी आपको बजाना आता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके देखिए आप इसके कौन से पैड में कौन से इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। देखिए, पहले पैड में इसमें तबले का चट्टू है, दूसरे में ये तुन है, वैसे मैंने कोंगो डाल रखा है, आप इसका तुन भी डाल सकते हो तबले का। तीसरे में इसको हम घसा बोलते हैं। चौथे में ये ऊपर क्लैप है, ताड़ी है, ये ओरिजिनल ताड़ी की तरह इसकी साउंड आती है। इसकी पिच अप डाउन करके आप इसमें एक प्रकर्शन डाला हुआ है, ये क्लैप पर जो हाई हेड्स होते हैं उसका बंद वाला जो क्लैप होता है वो है। इसमें ये बाया है, ये तबले का बाया है। इसमें चट्टू डाला हुआ है तबले का और घुंगरू, और यहाँ पे बेस है और साथ इसके क्लैप है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी एडिटिंग में आपको करना क्या क्या है। अब आपको मैं पैड की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे। मैं आपको पहले से स्टार्ट करके बताऊँगा और स्क्रीन पे रहेगा, आप अपने हिसाब से इसको जहाँ जहाँ जैसे एडजस्ट करना है आप कर सकते हो। चलिए तो स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने इसका एफएक्स सिलेक्ट करना है। मेनू में जाके एफएक्स में जाएं और एफएक्स में जाके ओके करें। ओके करने के बाद आप इसका देखें, हमने जो रखा हुआ है इसका इफेक्ट टाइप रखा है हमने टाइप इको, ये देखिए 18 नंबर, आपको ये सिलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आप देखिए कि इसकी एडिटिंग में आपको करना क्या क्या है। आपको ये तो आपको पता चल ही गया कि कहाँ पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट डला हुआ है, बस अब आपको ये देखना कि किसकी टोन कितनी है, किसकी पिच कितनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले चट्टू शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेनू में जाके सिंपल इंस्ट्रूमेंट पे ओके कीजिए और ये देखिए इसके ए बैंक में तो हमने डाला हुआ है तबले का 3 PC 69 069, और इसके बी बैंक में डाला हुआ हमने HH 010 800 H। इसमें एक सिंबल्स हैं, इससे थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा भरा हुआ रहता है इसके अंदर, खाली नहीं लगता बजाने में। तो इसकी टोनिंग देख लीजिए आप, इसकी एडिटिंग से आगे क्या है इसको ये सिलेक्ट करने के बाद। इंस्टा लेयर में आपको इसको मिक्स में रखना है लेयर पॉइंट इसका, और ये देखिए इसकी टोन आपने दोनों बैंक की रखनी है। ये चौथे स्केल पे है तो इसको +4 रखना है इसके दोनों बैंक में। और इसकी जो ये सेकंड नंबर पे इसकी मफिंग है इसको 25 रखना है। सॉफ्ट अटैक इसका 0 रखना है। टोन आपने इसकी हाई हेट्स ताकि इसमें थोड़ा शार्पनेस आए इनको 15 रखना है। पिच इसकी आपने 0 रखनी है। वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हैं। सिंबल्स की जो इसमें सिंबल डाले हैं उनकी वॉल्यूम आपने 40 पे रखनी है। और तबले की आप चट्टू की जो वॉल्यूम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी पैंस का सेंटर रखना है, रिवर्स इसका आपने ऑफ रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे इसके जो इसका दूसरे वाला पैड है जिसमें कोंगो डाला हुआ है। इसमें हमने डाला हुआ है PC 022 कोंगो L ओपन। ये आप ध्यान से चेक करके इंस्ट्रूमेंट चेंज कर लेना अपने हिसाब से। और इसके बी बैंक में हमने डाला है वही हाई हेड्स डाले हुए हैं 9 नंबर 78 H। इसके आप देख लीजिए क्या क्या है इसमें। इसकी जो कोंगो है उसको हमने रखना है +1400 चौथे स्केल के लिए। मफिंग हमने 0 रखनी है। सॉफ्ट अटैक 0 है इसका, टोन 0 है, पिच स्लिप 0 है इसकी, वॉल्यूम इसकी आवाज़ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पैन इसका सेंटर रखना है, रिवर्स कुछ नहीं करना। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पैड पे, थर्ड नंबर जो ये घस्सा है इसमें आपको रखना है PC 161 पोर्ट ड्रम है ये हॉल एस। तो आप इसमें रखना है। इसकी आगे से एडिटिंग देख लेते हैं। इसकी जो टोन है हमने रखनी है 1000 पे कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाउन आप कर लेना। मफिंग हमने इसकी 42 रखनी है। सॉफ्ट अटैक इसका 10, टोन कॉलर इसका 0 है, पिच स्लिप इसकी आपने रखनी है 30, वॉल्यूम अपने हिसाब से रख लेना। इसकी एडिटिंग आप को ये देख लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पर क्लैप, ये जो ताड़ी है इसमें जो है ये ए बैंक में इसके SFX 11, ये है फ्लेमी NCO क्लैप। और बी बैंक में भी इसके अपना सेम ही रखना है। इसकी जो इसकी एडिटिंग है इसकी एक की टोन आपने -600 रखनी है, दूसरी की 400। मफिंग इसकी रखनी है आपने 50। सॉफ्ट अटैक इसका 0 है, टोन कलर 0, पिच सिर्फ इसकी 0, वॉल्यूम इसकी 100 रखनी है आपने। बाकी इसका पेन सेंटर, रिवर्स इसका सेंटर रखना है।
उसके बाद जा चलते हैं हम इसके क्लैपर पे, जो ये सिंबल्स डाले हुए हैं। सिंबल्स में आपने जो इसका एक बैंक है ये तो बंद ही है, इसका आपने इसका एक ही बैंक ओपन रखना है, सिर्फ आपने इसका बी बैंक ही ऑन रखना है। दूसरे में आप इसको कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी डालने की, इसमें तब लेकर तीर डलवा ये बंद है, इसकी वॉल्यूम बंद कर रखे हमने, तो इसकी सिर्फ ये बी बैंक में देखिए ये HH010808 है, और इसका जो टोनिंग है ये बी बैंक में, तो इसकी बी बैंक की हम देखेंगे सिर्फ, इसकी बी बैंक में इसकी 90 है प्लस 90, मफिंग इसकी 0 है, सिर्फ आप बी बैंक देखें इसका। सॉफ्ट अटैक 0, हाई हेड्स के हमने 6 कर रखे हैं, पिच इसकी पिच स्लिप 0, वॉल्यूम इसका 60 रखा हुआ है, बाकी अप डाउन अपने हिसाब से कर ले। उसके बाद जाते हैं हम इस पे जो पाया है, इसमें ये ए बैंक में है PC170 ढोलक का गाय है ये, और इसके बी बैंक में देख लीजिए आप PC119 तांबूर इन, मतलब ये घुंघरू है इसके अंदर, तो आप ये देख लेना। एडिटिंग में इसकी हमने जो पाया है इसको हमने रखा हुआ है -130, और जो घुंघरू है उनको +570 ये अप डाउन कर देना कि आपको कितना शार्प चाहिए घुंघरू, या थोड़ा बेस में हैवी में बजाने वाला चाहिए, ये अपने हिसाब से कर लेना। मफिंग इसकी 0 रखी हुई हमने, सॉफ्ट अटैक इसका 0 है, टोन में इसका जो हाई घुंघरू है उनकी हमने हाइस खोली हुई है 15 करके, या 15 कर लें या कम ज़्यादा कर लें। उसके बाद इसकी वॉल्यूम, जो घुंघरू की वॉल्यूम है वो हमने कम रखी हुई है, और जो बाया है उसके फुल रखा है वॉल्यूम, बाकी इसका पेन सेंटर है, रिवर्स इसको ऑफ है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप आ जाइए 7th नंबर पैड पे, ये देखिए आपके ए बैंक में तो हमने डाला हुआ है तबला 3 यानी चट्टू, और बी बैंक में वही हमने घुंघरू डाले हुए हैं। हेडिंग में इसकी देखिए आप, इसकी जो टोन है अब इसको हमने रखा हुआ है 4th स्केल पे, तो जो तबले का चट्टू है वो तो प्लस हो ही रहेगा, जो घुंघरू हैं उनको आप अप डाउन अपने हिसाब से कर सकते हैं। मफिंग में जो वही जैसे पहले में, ये देखिए तबले की हमने जो चट्टू की मफिंग थी 25 रखी हुई थी, वैसे ही इसकी भी 25 रखनी है हमने, सिर्फ चट्टू चट्टू की, और घुंघरू की 3 रखनी है। सॉफ्ट अटैक हमने 0 रखना है, हाइस खोल के रखनी है, टोन को लो इसका 15 रखना है, दोनों बैंक का पिच इनकी 0 है, वॉल्यूम इनकी दोनों की बराबर रहेगी, बाकी जो पहले सेटिंग सेम। उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट जो हमारा है बेस और इस किक, बेस किक है इसमें साथ में क्लैप है, ये देखिए किक 0022909 किक 2 ए बैंक में, और बी बैंक में इसके SFX009808 क्लैप। अब आ जाते हैं इसके टोनिंग पे, तो बेस को आप अपने हिसाब से हैवी रखना है, कम ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी आप ये देखिए एडिटिंग इसकी जो ए बैंक में है वो 30 है, बी बैंक में सी एम मफिंग इसकी ए बैंक की 30, बी बैंक की 0, यानी कि बेस जो 30 है वो बेस की है, और जो 20 है वो ताड़ी की है। सॉफ्ट अटैक 0 है इसका, और जो टोन कॉलर है इसका हमने बेस का लेफ्ट 20 रखना है, पीच इसकी हमने 0 रखनी है, वॉल्यूम इसकी फुल रखनी है हमने। तो इस प्रकार से पूरे का पूरा पैच आपने बना के सेव कर लेना है, और फिर ये कुछ आप देख ही चुके हैं कैसे बजेगा, इसकी जो टोन होगी कुछ इस प्रकार से होगी, ये मैं आपको हर एक बैंक की बता रहा हूँ, तो इसको बजाओ आप अपने हिसाब से सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि आपको कौन सा पैच चाहिए ताकि मैं उसको उसकी एडिटिंग आपको बता सकूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।